नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऑनलाइन पॉइंट एक बार फिर से आपके बिहार में नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। आप लोग देख पा रहे हो, योग्यता की बात करें तो 10वीं पास यहां पर इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। पद की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जी हां फ्रेंड, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। सभी अंचल में चार चार पद होंगे, यानी कि चार चार डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं आपके बिहार में टोटल कितने अंचल हैं और टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाली है। तो इसके लिए कब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। उस नोटिस के सारी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, किनके द्वारा ये बातें कही गई है और कहां पर ये ऑफिशियल न्यूज निकल कर आ रही है, कैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे और कब से ऑनलाइन आवेदन करोगे, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाला है। फिक्स डेट भी बता दी गई है, तो आगे चल के आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ी छोटी से बड़ी खबर लेकर आता रहता हूँ, साथ में लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन 2 से 3 अपलोड कर देता हूँ। लेटेस्ट जॉब का 2 से 3 वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाता है दिन भर में। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, आज के डेट में ये न्यूज एंड नोटिफिकेशन जारी की गई है कि अप्रैल से सिर्फ ऑनलाइन जमा होगा लगान मोदी। तो ये आपकी जो सुशील मोदी है, माननीय सुशील मोदी द्वारा ये बातें कही गई है। आप लोग देख पा रहे हो कि फरवरी तक सभी आंचलों में चार चार डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे बहाल। तो फरवरी तक, अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर फरवरी तक बोल दिया गया है, तो यानी कि बहुत ही जल्द आप लोगों की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी कि वैकेंसी निकाल दी जाएगी और इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि फरवरी तक सभी आंचलों में चार चार डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे बहाल, तो फरवरी तक यहाँ पर बहाल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लीजिएगा, यानी कि सबमिट कर लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा और बहुत जल्द इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए डिटेल में क्या बातें बताएगी सारी जानकारी आपको देते हैं, आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर कहा गया है कि जो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ की समीक्षा बैठक, और जल्द ही जमीन मालिकों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा CFMSS प्रणाली से। और आप लोग देख पा रहे हो, डिप्टी सीएम सुशील जो कुमार मोदी ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से जमीन का लगान जमा करने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही लगान जमा कराया जाएगा। इसके अलावा लगान की राशि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। और उन्होंने शुक्रवार को मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कच्छ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए इस प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया। और उन्होंने कहा है कि भू अर्जन के प्रत्येक चरण की कार्यवाही और भूधारियों के लिए जाने वाली भुगतान को कंप्यूटराइज्ड करने के अलावा भविष्य में भूमि मालिकों को मुआवजा का भुगतान CFMSS प्रणाली से किया जाएगा, इसकी व्यवस्था भी की गई है। इसी वजह से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन नोटिफिकेशन की, और यहाँ पर कहा गया है कि मोदी ने कहा है कि राज्य के सभी आंचलों को ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया से जोड़े जाने के कारण 2019-20 में 15 फरवरी तक 18.16 लाख भूमि मालिकों ने ऑनलाइन लगान जमा किया, जिससे 29.89 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। प्रत्येक आंचल में इस साल फरवरी के अंत तक, आप लोग देख पा रहे हो, इस साल फरवरी के अंत तक चार चार डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि भू अभिलेखों को लेखा जोखा कंप्यूटरीकृत करने के साथ ही दाखिल खारिज समेत अन्य कार्यों में तेजी आ सके। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है फ्रेंड्स कि फरवरी के अंत में आप लोग देख पा रहे हो चार चार डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी अंचल में बहाल होंगे, तो फरवरी के अंत में ये वैकेंसी निकल कर आ जाएगी और आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फ्रेंड्स ये पेपरबाजी नहीं है, आप लोग इसको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार में क्या है कि चुनाव है और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी निकल कर आ जाएगी, यानी कि फरवरी के लास्ट में इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप ये नोटिफिकेशन और न्यूज़ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर एक ऑनलाइन पॉइंट सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये न्यूज़ और नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।